अभी योगी जी ने फिल्म सिटी की बात करी थी, नोएडा में हाँ बन भी रही है, बिल्कुल, ये मैं चाहता बन था भी जानना, रही बताइए। है, बन भी रही है। तो उसमें जो आपने देखा होगा कि इस समय मतलब बंबई दिल्ली जहां कहर बरस रहा है कोरोना का, उसको छोड़ के सब टूट पड़े यूपी में, और तरह तरह की मतलब रात दिन जलती चिता पलाना धमाका, जबकि स्थिति उससे बहुत अलग है। ये क्यों टूट पड़े? ये जब फिल्म सिटी का ऑफर आया तो दिल्ली के बड़े बड़े मीडिया हाउस चैनल चलाते हैं, यहाँ लखनऊ के कुछ क्षेत्रीय वाले छुटभैये ये सब पहुंचे योगी जी के पास कि वो फिल्म सिटी में हमें भी प्लाट रियायती दर पर, मतलब मीडिया के दर पर, जैसे भाई मीडिया को अक्सर बहुत कम पैसे में दे दिया जाता है। तो योगी जी खरे आदमी है, वो उन्होंने कहा कि तुमको क्यों चाहिए भाई, तुम लोगों को तो नोएडा में पहले ही सस्ते दामों पर दिए जा चुके हैं, जहां तुम लोग के सारे ऑफिस है, तो फिल्म सिटी में तुम्हारा प्लाट का, और अगर तुमको चाहिए तो फिर कमर्शियल रेट पे लो, क्योंकि वहां वहां पत्रकारिता तो होगी नहीं है, तो फिल्म सिटी बन रही है, कमर्शियल बिल्कुल रेट पे आप बिल्कुल लीजिए। तो इनका तो इरादा यह था कि प्रेस के नाम पे लें और बाद में उसको कमर्शियल पे बेच चलेंगे किसी को, तो करोड़ों सैकड़ों करोड़ों रुपए का हेर फेर होता, वो इनके इरादे पूरे नहीं हुए। और योगी जी बोलते खरा है, तो वो आग लगी हुई है, वो कहे तो उसको तो कह नहीं सकते थे कि हमें नंबर दो का काम कराने गए थे, हमारा हुआ नहीं, अब उनको एक मौका मिला मौतों पे। तो जिस बंबई में उत्तर प्रदेश से 5 गुना 6 गुना ज्यादा मौतें हो गई, वहां का इनको नहीं समझ में आ रहा, वहां इनको उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपने एक शब्द नहीं सुना होगा अभी तक, केजरीवाल के खिलाफ एक शब्द नहीं, उसकी तो चलो उसकी तो आरती उतार रहे हैं ये, लेकिन योगी के खून के प्यासे हो गए ये मीडिया वाले। तो ये ऐसे ही जो तथा कथित राष्ट्रवादी है कुछ उनके भी अपना था, जबकि जो कांग्रेस कल्चर था वो उसका, इनके भी बड़ी उम्मीदें थे कि भाई यहाँ यूपी में सरकार बनेगी, फलाना होगा धमाका होगा, तो हमारा भी उल्लू सीधा होगा, तो वो काम हो नहीं पा रहा है। आप मनीष जी एक चीज कभी पूछिएगा, मैं तो पूछ लेता हूँ कभी कभी, एक शिकायत आप बहुत सुनते होंगे कि कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही, हाँ, कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही, क्या नहीं सुनी जा रही? किसी कार्यकर्ता से पूछिएगा, अकेले में पूछ लीजिएगा, मैं चैनल पर तो बोलने की उसकी औकात ही नहीं होगी, जो एक कुछ कार्यकर्ता शिकायत देती है, आपसे सही बताऊं कार्यकर्ता शिकायत बिल्कुल नहीं बिल्कुल, करता, ये खूब शिकायत है ये। कार्यकर्ता शिकायत नहीं करता, ये मठाधीश हैं कुछ जिनका काम था दलाली करना, वो नहीं हो पा रही। अब मैं आपको एक अपना अनुभव बता रहा हूँ कि एक मेरे मित्र हैं और हमारे दूसरे मित्र हैं, वो ठेकेदारी करते हैं, तो वो उनसे बोले कहेंगे चलो तुम्हारी जो है, मैं मुलाकात एक मंत्री का नाम लिया उन्होंने, कहें चलो उनसे करा देता हूँ, मेरे अच्छे संबंध है। उस ठेकेदार ने दो टूक जवाब दिया मनीष जी, उसने कहा क्या करूंगा मिलकर, वो कुछ नहीं कर सकते, जो सिस्टम बना दिया गया है उसमें वो मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, करना मुझे सिस्टम के ही हिसाब से पड़ेगा काम, तो मैं जबरदस्ती उनसे मिलूंगा तो फिर उनको कुछ गिफ्ट दूंगा, खर्चा अपना ओढ़ लूं 10-20 हजार रुपए का, तो मुझे नहीं मिलना, क्योंकि वो मेरा कोई मतलब, ये मैं उसका साक्षी हूँ उस बातचीत का। तो जहां इस तरह की व्यवस्था बन गई, मैं बखूब सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं उन चेहरों को भी जानता हूँ, अरे बहुत करप्शन है, फलाना है, धमाका है, अरे बताओ तो कह रहे को बहुत। एक सज्जन मुझे मिल गया, कहना भैया खूब पैसा दे के सारे काम हो रहे, हमने उनसे कहा मेरा फोन नंबर नोट करिए, मेरे पास एक काम है, पैसे भी दे दूंगा आपको, करवा दीजिएगा। अब वो इधर उधर होने लगे, कहने यार सब हमने कहा हो रहे बताओ, तो मैंने जानबूझ कर उनसे कहा, फिर उसके बाद उन्होंने पलट के हमसे दोबारा संपर्क नहीं किया। तो मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ एक बड़ी सुनियोजित तरीके से, वो अपने पार्टी के अंदर ही एक चल रही है गुटबाजी, वो हजम नहीं हो पा रहा है, वो थोड़ा बहुत जो उनसे दाना है, ये लिबरल जर्नलिस्ट और राष्ट्रवादी जर्नलिस्ट सब इस गैंग के हिस्सेदार हैं जो योगी कुर्सी मीडिया से उठाकर फेंक देना चाह रहे हैं। का तो, मीडिया की तो आपको एक घटना बता रहा हूँ, वो आज से करीब 2 साल हुए योगी जी को, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हुए, तो जो यहाँ क्षेत्रीय चलते हैं चैनल प्रादेशिक वाले, बाहर इन्होंने आफत झोंक दी, ऐसा लगे कि जैसे प्रदेश में आग लग गई है। तो बुलाया एक दिन उन्होंने सबको बुलाया, पूछा भाई क्या शिकायत है, क्यों नाराज हो? तो उनसे बताया कि साहब हमारे काम नहीं सुने जा रहे हैं। तो योगी जी ने पहले ही अपने करीब आधा दर्जन IAS बुला रखे थे, उन्होंने कहा निकालो डायरी, साहब अपने 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 काम जो है आप लोग नोट कराइए। तो अब वो सब दाए कि नहीं नहीं वो हम बाद में कर देंगे, कह नहीं हमारे सामने करा, 2 बार कहा उन्होंने, कहने नहीं हम इनसे बाद में कह देंगे। तो उन्होंने कहा सुनो कोई जनहित का कोई तुम्हारे निगाह में आ जाए, सरकार की निगाह में नहीं आए, कोई ऐसा काम
जहाँ है तो वो तो होगा। और ये अगर सोच रहे हो कि ठेका पट्टा ट्रांसफर पोस्टिंग, तो ये मैं बताया दे रहा हूँ कि ना अभी तक हुआ है ना अब होगा, आगे भी नहीं होगा। तो जो बताना काम बता दो, बाकी वो काम नहीं होंगे। मतलब ये भी बात समझिए कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद इतना खुल के बोलने वाला मुख्यमंत्री भी मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं हुआ। तो ये सब तिलमिलाए बैठे तो हजम थोड़ी हो रहे हैं वो। हमारे जैसे लोग, आपने एक बेहद महत्वपूर्ण चीज को पोल खोल कर रखे रखा है एकदम, और जिस चीज को मैं कहना चाहता था कि अरे असल में उस डेलीगेशन में मेरे महोदय भी थे ना, तो अच्छा, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। आपके आपके यूपी के कई रीजनल चैनल तो एकदम लगता है कि योगी को आज मन की आग हटा दे, रोज फर्जीवाड़ा स्टोरी करता है रोज।